हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स के दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली हम थ्री डायमेंशन मॉलिक्यूल की जो है रोटेशन को हम डिस्कस करेंगे, और हम इस लेक्चर में सीखेंगे हाउ वी कैन क्लासीफाई मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। रोटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल में भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल की रोटेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कुछ हद तक जो है कॉम्प्लेक्स हैं, एंड इज कन्वीनियंटली रिजॉल्व इनटू रोटेशनल कंपोनेंट्स अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम जो है इस इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है मॉलिक्यूल की हम तीन रोटेशनल कंपोनेंट्स जो है हम ड्रॉ करेंगे, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो मान लो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई कर रहा है। तो हमने जो है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोटेशनल कंपोनेंट्स हमने कंसीडर करने हैं। मान लो दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमने एक एक्सिस ये ले ली और एक एक्सिस हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली, एंड एक एक्सिस हमने जो है ये कंसीडर कर ली। तो दिस इज़ योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम इसको ओ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है तीन एक्सिस हमने कंसीडर करी। तो दस द बॉडी हैज़ थ्री प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ईच एक्सिस, एंड यूजुअली डिजाइंड एज आई ए, आई बी एंड आई सी। तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो बॉडी है इसके पास जो है, या फिर मॉलिक्यूल कह लो, इसके पास जो है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस इज योर आई ए, अबाउट बी एक्सिस योर आई बी, एंड अबाउट सी एक्सिस इज योर आई सी। तो हमने ए बी सी एक्सिस इस तरह से सेलेक्ट करनी है, दैट इज़ आई ए इज़ ऑलवेज लेस देन आई बी, एंड आई बी इज़ लेस देन आई सी। द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज़ ए बी एंड सी एक्सिस मे बी टेकन एज। तो हमने जो है तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कंसिडर किए थे, ए बी और सी, वो हमें किस तरह से हम ले रहे हैं, किस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर ए एक्सिस। ए एक्सिस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये आपका मॉलिक्यूल है और ये जो है उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इस पॉइंट पे लाई करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला और मॉलिक्यूल के सेंटर से जो पास हुए, जो एक्सिस मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, या हम कह सकते हैं ए एक्सिस। ए एक्सिस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट इज़ योर ए एक्सिस। नेक्स्ट है बी एक्सिस, द एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने जो ये वाली बी एक्सिस लेनी है, द डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू योर ए एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो पास हो और ए एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और जो बी एक्सिस है दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये बी एक्सिस हमने कंसीडर करी, दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन है आपका जो आपने सी एक्सिस कंसीडर करनी है, एंड ओवर एंड रोटेशन एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, राइट एंगल होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी आपके जो प्लेन ऑफ पेपर है। तो हमने दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ए और बी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है आपकी पास होगी। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी सी एक्सिस होगी। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ ए आई ए, इसके अलोंग दैट इज़ आई बी, एंड इसके अलोंग जो हमारा होगा दैट इज़ योर आई सी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वैल्यू ऑफ देयर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इट विल बी सीन इक्विवेलेंट टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो अब हम जो है मॉलिक्यूल को जो है चार ग्रुप्स के अंदर जो है मेनली हम इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली चार कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, और इनका मतलब ये भी है कि हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर शेप जो है हम जो है मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला का लीनियर मॉलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सभी एटम्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जाम्पल HCl और HCN। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग B एंड C एक्सिस आर इक्वल, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग A एक्सिस इज निग्लिजिबल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया B और C एक्सिस का तो इक्वल होगा, आपका आई बी और आई सी तो इक्वल होगा, पर आई ए आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक टॉप।
ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉन जीरो, सभी की कुछ ना कुछ जो है वैल्यूज होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, बट द टू ऑफ देम आर इक्वल, जिसमें से जो है दो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सी एस थ्री सी एल हो गया, सी एस थ्री एफ हो गया, ये सभी इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो अगर मुझे इसे ड्रॉ करके मुझे दिखाना हुआ, तो मान लो दिस इज योर सी, सी एच थ्री एफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो एच ये एच और ये आपका एफ, और ये जो है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जो है वो रोटेट कर रहा है, जिसको हम कहेंगे, इसको अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो दिस इज योर स्पिनिंग टॉप। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस क्लास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इनको हमने फर्दर जो है सब डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है प्रोलेट्स मेट्रिक टॉप। प्रोलेट्स मेट्रिक टॉप में क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए का वो होता है कम होता है आई बी और आई सी से। तो मान लो दिस इज योर ए एक्सिस, तो इसके अलॉन्ग जो है ये आपका जो है प्रोलेट्स मेट्रिक टॉप है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए का कम है आपके आई बी और आई सी एक्सिस से। और एग्जाम्पल्स देने हुए तो इसके क्या आएंगे, सी एस थ्री सी एल एन एच थ्री, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑब्लिक सिमेट्रिक टॉप में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए का ज़्यादा होता है आपका आई बी और आई सी से, तो बी सी एल थ्री बी एफ थ्री ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट वन इज योर स्फेरिकल टॉप। वेन ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव वेन अ मॉलिक्यूल हैज़ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल, यानी कि आई ए भी इक्वल है, आई बी भी इक्वल है, और आपका आई सी भी क्या है इक्वल है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक टॉप कहलाएंगे। तो सी एच फोर एस एफ सिक्स ये इस तरह के इसके एग्जाम्पल हैं। तो हर एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये इसका मैंने डायग्राम बनाया है, तो अगर मैं इस तरह से आप शो करूँ तो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। तो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा नहीं शो करते, क्योंकि इनका जो है कोई डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका शो नहीं करता। तो असिमेट्रिक टॉप में क्या होगा, दीज मॉलिक्यूल्स हैव ऑल दीज मॉलिक्यूल हैव ऑल दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एंड द मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो वो मॉलिक्यूल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी इनका जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है, आप ये बोल सकते हो कि आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। तो सारे मॉलिक्यूल्स इसी बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एच टू ओ सी एच थ्री ओ एच। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, बिकॉज इनका जो है कुछ ना कुछ जो है डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो थैंक यू सो मच, और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।